विच है जो बमानी कैद विच है जो नू हम तो रिहा कर दे मौला सदका मोहम्मद दा तुहारी के अच्छा कर दे मौला सदका मोहम्मद दा तुहारी के अच्छा कर दे तेरे दर ते सदा करना या आला दवा करना दिला का चैन अता कर दे खुदाया बेकरारानू ना पी दे सदका शिफा बख्शी बीमारानू करम सारे जमाने थे करम सारे जमाने थे तू मेरे किबरिया कर दे मौला सदका मोहम्मद दा तुहारी के अता कर दे मौला सदका मोहम्मद दा तुहारी के अता कर दे तेरे करते सदा करना पया मौला दवा करना किसे मांगना बिछड़े लाल मौला मैं दवा करना कोई मजबूर ना होवे खुदाया देते जा करना मेरे मौला तू रहमत दे उजाले हर जगह कर दे मौला सदका मोहम्मद दा तुहारी के अता कर दे मौला सदका मोहम्मद दा तुहारी के अता कर दे। अभी हम पहुंच गए हसन अब्दाल का असल नाम सैयद जमालुद्दीन हया था। वह सन 1476 ईस्वी अफगानिस्तान के सूबे कंधार में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम सैयद ताजुद्दीन अबू बकर अब्दुल रज्जाक था। बाबा वली कंधारी की 5वीं सदी के अजीम बुजुर्ग और सुल्तान औलिया शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल मारूफ गौस आज़म दस्तगीर की 5वीं नस्ल से हैं। 1498 में हसन अब्दाल तशरीफ लाए जो रावलपिंडी के हदूद में है, जो तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर है। बाबा वली कंधारी ज़मीन से 714 मीटर ऊंची पहाड़ी पे अपना डेरा बसाया, जहां हजरत ने अपना डेरा बसाया वहां से मीठे पानी का चश्मा भी निकलता था, जिससे इलाके के मकीन पीते थे और ज़रूरत भी इस्तेमाल करते थे। जो भी लोग वहाँ आते थे बाबा उन्हें तलकिन व हिदायत करते थे और राह रास्त और हक का रास्ता दिखाते थे। आहिस्ता आहिस्ता आपकी शोहरत मशहूर होती गई, इतनी मशहूर होती गई कि दूर दराग से पूरे पाकिस्तान से लोग आपकी खिदमत में हाजिर होते और दुआओं के लिए अर्ज करते। आपकी शोहरत जैसे ही बढ़ती गई तो आपको थोड़ा गुरूर करने पर मजबूर कर दिया और आपने मुस्लिम और गैर मुस्लिम में फ़र्क करना शुरू कर दिया, और जो मुसलमान होता था उसे आप आस्थाने पे छोड़ते थे
और जो गैर मुस्लिम होता था उसे नहीं छोड़ते थे। 521 ईस्वी में सऊदी अरब से और दूसरे ममालिक से सफ़र करते हुए हज़रत गुरु नानक साहब जी गर्मी की मौसम में यहाँ पहुँचे और पहाड़ के नीचे अपना आस्ताना बनाया। जब गुरु नानक साहब वहाँ आए तो उसकी रूहानियत को देखते हुए लोग उसके पास जाने लगे और वली कंधारी के पास कम जाने लगे। ये देखते हुए वली कंधारी को बहुत बुरा लगा और लोगों को उनके पास जाने पर उसे इतराज़ होने लगा कि उसके पास लोग जा रहे हैं और मेरे पास कम आ रहे हैं। इस गुस्से में ऊपर जो चश्मे का पानी नीचे आता था वो वली कंधारी ने बंद कर दिया, जिससे पहाड़ी के नीचे रहने वाले लोगों को परेशानी होने लगी। उनकी फसलें सूखने लगी, उनके माल मवेशी प्यासे मरने लगे, लोगों को भी पीने के पानी की किल्लत हो गई। तो लोगों ने एक मजमुआ वली कंधारी के पास गया और उसे पानी छोड़ने के लिए गुजारिश की, जिस पर वली कंधारी ने गुस्से में कहा कि जाओ अपने बाबा गुरु नानक के पास और उसे कहो वो आपको पानी दे, मैं पानी नहीं दूंगा। जिस पर लोग उदास होकर वापस आ गए और गुरु नानक साहब के हजूर पेश हुए और सारा माजरा पेश किया, जिस पर गुरु नानक ने लोगों को तसली देते हुए दिल शिकस्ता न हो, खुदा बहुत बड़ा है, अपने रब पे यकीन रखो, वो कोई ना कोई हमारे लिए रास्ता निकालेगा, वो आप लोगों को कभी भी प्यासा मारने नहीं देगा। गुरु नानक साहब ने अपने खलीफे भाई मर्दाना को कहा कि बाबा वली कंधारी के पास जाओ और उसे अर्ज करो कि नीचे लोगों के लिए पीने का पानी छोड़े। गुरु नानक साहब का पैगाम लेकर भाई मर्दाना बहुत बार वली कंधारी के पास गया और उसे इल्तजा करता रहा, मगर वली कंधारी का दिल पिघल ना सका। वो आखिरकार गुरु नानक साहब से सारा हाल बयान फरमाया। गुरु नानक साहब ने जवाब दिया कि दिल छोटा मत करो, खुदा बहुत बड़ा है, वो बहुत ही रहम करने वाला है, वो जहाँ से चाहेगा चश्मा निकालेगा, चलो अपने रब के हजूर दुआ मांगते हैं। फिर गुरु नानक साहब ने एक जगह से पंजा मारकर पत्थर उठाते हैं, जैसे ही पत्थर उठाते हैं वहाँ से चश्मा बहना शुरू हो गया और इस तरह लोगों को पानी मिलना शुरू हो गया। रवायत से आता है कि फिर ऊपर वली कंधारी के पास पानी कम होता जा रहा था तो ये माजरा देखा वो नीचे आए और बाबा गुरु नानक साहब जी से माफ़ी तलब की, तो बाबा गुरु नानक साहब जी ने न सिर्फ माफ़ किया बल्कि ये शर्फ भी बख्शा कि वो अपने भक्त की हाजिरी तब तक कबूल नहीं फरमाएगा जब तक वो वली कंधारी की हाजिरी नहीं देगा। बाबा वली कंधारी का आस्थाना एक इबादतगाह है, जिस तरह माना जाता है कि वो यहाँ पर बैठ के अल्लाह ताला की इबादत वो रियाजत फरमाते थे। आपकी वफात 1519 ईस्वी में हुई, जिसे गांव बाबा वली कंधार अफगानिस्तान में मदफून किया गया। इस वक्त हम खड़े हैं नगर खाने के इंचार्ज के साथ, तो इनसे कुछ पूछ लेते हैं यहाँ के बारे में। जी सर, जी आपका तारुफ? जी मेरा नाम राजा करामत हुसैन है। थोड़ा मेरा नाम राजा करामत हुसैन है और इधर ही समुदाय है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इस जगह के मतलब थोड़ा बताएं मेरे नाज़रीन को प्लीज। ये जिनका पूरा नाम है सैयद जमालुल्लाह याकर मीर सख्त जिंदा वली कंधारी हसन हुसैन, वो पाक सरकार की औलाद में से सरकार के सवालात बैठा था, इधर आर्मीज का बंदा आता है, शफाअत आर देने वाली वो अल्लाह पाक की ज़ात है, लेकिन किसी के मामले खुदा पाक जो है करा कर हम ये इधर लंगर का काम करते हैं, जो जरीन आराम के लिए लंगर काम करते हैं, सुबह होता है शाम बीमारी अनमन खराबन खतरा उसके तहत। माशाल्लाह, तो यहाँ पे सरकार की बैठक है? जी बैठक है। माशाल्लाह, सरकार की जो असल कब्र मुबारक है वो कहाँ है? मतलब ये तो जिंदा है ना? मतलब जी ये जिंदा गायब हुई है, कुछ दो तीन ऐसी हस्तियाँ जो जिंदा गायब हुई है जब आखिरी जमान इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ। माशाल्लाह दोस्तों, तो यहाँ पे हम अपने व्लॉग को ख़त्म करते हैं कि जिंदा वली शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौ से पाक के पोते हजरत सैयद जमाल शाह जमाल शाह जमालुल्लाह हसनी अल हुसैनी की बेटे की ज्यारत भी की। यहाँ पे आने वाले ज़ायरीन को खाना मिलता है जो भी वक्त के सदमे तैयार होता है, तो अलहमदिल्ला हमें भी जो नसीब हुआ था बिरयानी और चाय हमें भी नसीब हुई, वहाँ पे हमने भी
खाना तनावल किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो अपने बंदों को कहीं भी और किसी भी जगह पे वो भूखा नहीं रखता, क्योंकि देने वाली ज़ात तो मेरे रब की है, ये औले अल्लाह है जिन्होंने अपने इश्क से अपने रब को राज़ी किया। तो जहाँ भी इन औले अल्लाह के आस्ताने होते हैं वो हमेशा आबाद होते हैं, क्योंकि ये अल्लाह के ख़ास दोस्त होते हैं। तो यहाँ पर हमने वो नाश्ता भी किया, चाय वगैरह भी, बिरयानी खाई, और अल्लाह का हमने शुक्र अदा किया कि उसने ये हमें नसीब किया। जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं तो वो नजरन के तौर पे कुछ ना कुछ ताइफ यहाँ पे रख जाते हैं। ये आप देख रहे हैं एक दिलफरेब और खूबसूरत मटके, ये भी शायद किसी की मन्नत पूरी हुई तो वो यहाँ पे नजरन के तौर पे रख गए। और अगर हम यहाँ से पूरे हसन अब्दाल का नज़ारा करें तो एक खूबसूरत नज़ारा देखने को हमें मिलता है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये नज़ारे आप दोस्तों को मैं पेश नज़र कर रहा हूँ पाकिस्तान भर से, वो आप दोस्तों को बहुत पसंद आए होंगे। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल मेरी आज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूल लें, लाइक कमेंट और शेयर। और यहाँ मिले मेरे छोटे दोस्तों से, इन दोस्तों ने भी मेरा खूब साथ दिया और खूब हमने इस ट्रिप को इंजॉय किया। तो हमने यहाँ पर दुआएँ मांगी अपने रब से कि हमारी नेक और जायज़ तमन्नाएं पूरी करें। इस दुआ के साथ, इस नियत के साथ मैं इन इलाकों पे और इन औलिया कराम पे जाता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला राज़ी हो। और यहाँ पे कुछ और नज़ारे भी दोस्तों को पेश नज़र कर लास्ट में करता जाऊँ कि यहाँ पे दरगाह पे किस तरीके से पंप की आवाज़ से गैस को फिलअप किया जा रहा है। तो आई होप कि दोस्तों को ये नज़ारे बहुत पसंद आए होंगे। तो अपने मेज़बान सिकंदर अली मार को इजाज़त दें। तो मेरे चैनल मेरी आज टीवी को ज़ारी सब्सक्राइब करेंगे तो लास्ट में मैं आप दोस्तों को उन दोस्तों से, छोटे छोटे दोस्तों से भी ज़रूर मिलवाऊंगा जिन पे हमने इस वीडियो को एंड करना है, जिन्होंने इस ट्रिप पे साथ दिया रिकॉर्डिंग के हिसाब से, और उन बच्चों ने भी इंजॉय किया। तो चलते हैं अब अपने वीडियो को एंड करने के लिए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और दरगाह पर आप दोस्तों के हम साथ होंगे। यादगार रहेगी। तो फाइनल में हम इनसे खुदाफिज भी करेंगे और इनसे इंट्रोडक्शन भी करेंगे। फिर आपका नाम हसी भाई, आपका नाम हसनैन, आपका नाम मोहम्मद एहसान, आपका नाम मुर्तजा। ये मेरे चारों दोस्त बने हैं। इंशाल्लाह ये वीडियो इनके लिए यादगार रहेगी। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और ये जवान हो जाएंगे तो ये वक्त याद करेंगे। कोई अंकल आया था जकवाज सिंध से, मेरी आज टीवी से, और आई होप कि ज़िंदगी रही तो हम इन दोस्तों से फिर मिलेंगे। तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद।